गाइस यार कुछ करने को ही नहीं है मेरे पास। अबे यार इस लड़की के पास फोन है। अरे क्या देख रहा है इस तरफ? अरे मैडम जी कुछ नहीं देख रहा हूँ यार, काश मेरे पास भी एक अच्छा वाला फोन होता। अबे ओए टकले टकले कहाँ जा रहा है? अबे टकला तो सीधा सुटकलिया भाई साहब। यार इन लोगों के पास कॉफी है पीने के लिए, फोन से फोटो खींचने के लिए, और तुम्हारे भाई के पास कुछ भी नहीं है। एक सेकंड यार, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब यहाँ पर कोई चीज के ऊपर सेल लगी हुई है। अरे भाई साहब किस चीज पे सेल लग रही है? काफी सस्ते में मिल रही है बोट, लेना तो बनता है। क्या बोट्स मिल रही है? अरे मैं तो बड़ी वाली शिप खरीदूंगी इस बार सेल में। हाँ मैं भी। अरे भाई सब यार इतना कितना सस्ते में मिल रहा है यार, क्या पता मैं भी अफोर्ड कर पाऊँ कोई शिप या कोई यार जहाज। ओ भाई सब पता नहीं कितनी खतरनाक सेल होगी यार। मेरे पास कुछ रुपए है उनसे क्या पता मैं खरीद लू। यार हटो ना। अरे देख के चल ले। अरे देख के चल रहा हूँ, लड़ना है किसी को मेरे साथ बता दो पिटाई लगा दूंगा। गाइस यार तुम लोग ये देखो आखिर सेल कहाँ पर रख रही है, कहीं पर दिख रही है क्या? गाइस मेरे को लगता है उसी तरफ सेल लग रही है क्योंकि वहीं पर बहुत सारी बोट्स खड़ी है। चलो यार जल्दी से देखता हूँ यार कौन सी बोट मेरे अफोर्ड कर पाऊंगा। ओ भाई सब यहाँ तो बहुत सारी छोटी बड़ी महंगी महंगी बोट्स लग रही है। मेरे को लगता है कि कुछ ज्यादा खतरनाक वाली सेल चल रही है यहाँ पर। देखो इतने सारे पोस्टर भी लगा रखते हैं यहाँ पर। ओ भाई साहब यहाँ पर देखो तुम लोग। अरे यार ये वाली मैंने मूवीज में देखी, यहाँ पर क्रिमिनल्स इस वाली को यूज करते हैं, पर ये वाली मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी। अरे भाई साहब ये वाली मेरे को काफी अच्छी लग रही है, देख रहा हूँ ये वाली यार इस पे कितना अच्छा वाला वुडन वर्क हो रखा है, और अंदर का देख रहा हूँ फर्नीचर। अरे भाई साहब इसके अंदर ट्विन टर्बो इंजन लग रहा है भाई, वो तो बहुत पावरफुल होता है। ओ भाई साहब ये वाली भी काफी अच्छा है, क्या वुडन वर्क हो रखा है, क्या इंटीरियर इसका, मजा ही आ गया यार। अरे क्या देख रहा है, इधर आ खरीदनी है तो बात कर हमसे। अरे क्या हो गया? अरे सिंचैन, अरे समित भैया तुम फकीर यहाँ क्या कर रहे हो? अबे मैं तो यहाँ पर बोट खरीदने आया था, मेरे को पता चला यहाँ पर सेल चल रही है। अरे समित भैया सेल चल रही फ्री के अंदर नहीं दे रहे हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है तू, मेरे को बोट खरीदने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं? अरे समित भैया मैंने एक बार बोला ये सेल चल रही है फ्री में नहीं दे रहे, तुम्हें पता है कितने की आती है एक बोट, कितने की आती है? अरे समित भैया तुम्हारा पूरा खानदान बिक जाएगा, मेरे को खरीदनी है ना। अरे समित भैया तुम जल्दी से बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे, और बकवास मत करो यहाँ पर, मेरे पास 10,000 रुपए है। क्या क्या बोले तुम 10,000 रुपए? 10,000 रुपए में बोट खरीदने आया ये? अरे देखो कैसा पागल मूर्ख आदमी, 10,000 रुपए में कौन बोट देता है पागल कहीं के। ओए ढंग से बात करनी तो कर ले मुझसे, ठीक है नहीं है मेरे पास पैसे पर मैं बोट खरीदने आया था ना। अरे बहुत सुन ली तेरी बकवास, भगाओ इसको बोट गार्ड यहाँ से। अरे चल दे चुपचाप बिन पीटे, बता रहे हो तेरे को। अरे सुमित भैया उस तरफ कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ सुमित भैया सामने जाओ, एक बोट है तुम्हारे लायक, कौन सी बोट है? अरे सुमित भैया सामने जाते रहो, कौन सी वाली है? अरे सुमित भैया देखो तो एक मस्त वाली दिखेगी। अरे कहाँ यार, देखते हो कौन सी मेरी बोट बजट में आएगी। अरे सुमित भैया यहीं पर देखो ये लाल वाली। क्या ये बोट आएगी 10,000 रुपए में? हाँ सुमित भैया 10,000 की नहीं, ये भी 15,000 रुपए की है, चाहिए तो लो वरना निकलो यहाँ से। गाइस यार ये सिंचैन का बच्चा बहुत ज्यादा इतरा रहा है, और मैं ये कटारा खटारा सी बोट बिल्कुल नहीं लेने वाला। अब की बार आया तो पहले बता रहा हूँ बॉडीगार्ड्स के हाथों पिटवा दूंगा। गाइस यार इसका तो घमंड तोड़ना पड़ेगा, मेरे को छोड़ूंगा नहीं इसको। गाइस यार मेरे को लगा सेल चल रही है यार, कोई अच्छी सी बोट खरीद लूंगा, क्योंकि यार मेरे को पानी का ही ज्यादा अगर काम होता है, कभी झील में नहाना है कुछ कुछ काम करना, तो मैं सोचा यार एक बोट ले लूंगा तो फिशिंग भी कर पाऊंगा और थोड़ी इज्जत भी बन जाएगी तुम्हारे भाई की। पर क्या पता यार मेरे को सेल के बहाने लोग लूट रहे हैं, कोई सेल वेल नहीं थी। अरे यार मैं तो पानी में गिर गया, चलो यार उस तरफ जाता हूँ। और तुम लोग ये सोच रहे हो मैं जा कहाँ पर रहूँ? गाइस यार मेरे पास तो कोई घर तो है नहीं रहने के लिए, तो यहाँ पर मैं इस नदी के नीचे यहाँ पर देख रही हूँ अंडरग्राउंड सा, यहाँ पर रह लेता हूँ। अरे गाइस यार एक सेकंड, वो क्या है यार? अरे यार ये क्या आ गया पता नहीं आज मेरे घर पर। ओ गाइस एक सेकंड, अरे ये किसने लकड़ियां लगा दी यहाँ पर, पहले तो नहीं थी। अरे हटना यहाँ से इसकी ऐसी तैसी, चलो ऊपर से चलता हूँ। ओ और ये क्या गाइस, यहाँ पर तो एक व्हेल आ चुकी है। अबे ये व्हेल अंदर कैसे आई? ओ माय गॉड ये सब क्या चल रहा है? अरे मुझे बचा लो प्लीज। क्या बोलने वाली व्हेल? अरे अरे मैं तो पानी में गिर गया। अरे मुझे बचा लो प्लीज, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। ओ गाइस यार ये तो बोलने वाली व्हेल है, मेरे को इसकी मदद करनी होगी यार। आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं आ चुका हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। गाइस यार मुझे इस व्हेल को बचाना होगा बेचारे को, यार देखो कैसे यहाँ पर फंसी हुई है। पर एक सेकंड सबसे पहले मैं ये देखता हूँ आखिर ये फंसी हुई कैसे और यहाँ पर आई कैसे। अरे मेरा नाम असल में पिल्लो रानी है, और मैं यहाँ पर तैर रही थी, और मैं तैरते तैरते इसके अंदर घुस गई, पर अब मैं बाहर नहीं निकल पा रही, प्लीज मेरे लिए जगह बनाओ। तो गाइस यार तुम्हारा भाई पानी के अंदर कूद के आखिर है क्या यहाँ पर? ओ शिट यार यहाँ पर तो इतनी सारी लकड़ियां है, आखिर ये आई कहाँ से यार? ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर यहाँ पर डाला इन चीजों को जिससे ये इस वेल को फंसा सके। अभी तोड़ता हूँ इसको, एक सेकंड। अरे यार पानी के अंदर मेरी ताकत भी तो कम हो गई यार, इसको कैसे तोड़ू समझ में नहीं आ रहा यार। एक और बार ट्राई करता हूँ, ये ले एक पंच मारा, एक और मारता हूँ। अरे गाइस यार कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है पंच मारने से,
पर पंच मारने से ये तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। गाइस यार ऐसे तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, इसे तोड़ के देखता हूँ। ओ गाइस यार बंदूक से इसे मैं तोड़ पा रहा हूँ, चलो यार मैं इसको जल्दी से तोड़ देता हूँ। यार मैं आप लोगों को बताऊँ, ये पक्का किसी क्रिमिनल का काम है, क्योंकि व्हेल का जो मांस होता है वो बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। ओ शिट यार, यहाँ पर तो आप लोग देख रहे हो भाई, इसको जल्दी से तोड़ना हो क्योंकि यहाँ पर जहरीली गैस रिलीज हो रही है। अगर ये मर गए ना यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस मिसाइल से तोड़ देता हूँ जितने भी पानी के अंदर सारी लकड़ियाँ है। अरे तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम मेरी मदद कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हेल्प करना अच्छी बात होती है सबकी। चलो गाइस यार अब पानी के अंदर जाके देखता हूँ क्या लकड़ियाँ टूट गई सारी। हूँ गाइस यार देख रहे हो, मैंने मिसाइल मार मार कर सारी की सारी लकड़ियाँ तोड़ दी। चलो मैडम जी, मतलब व्हेल जी, आपका नाम जो भी था बिल्लो रानी, चलो आप बाहर निकल जाइए। तो गाइस यहाँ पर हमने व्हेल को बचा लिया फाइनली। गाइस यार कहाँ अंदर फंस रही थी, आगे से कभी इस तरफ मत आना ठीक है, यहाँ पर लुटेरे रहते हैं, आपको मार के बेक डालेंगे। अरे तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है सुमित। और ठीक है आगे से कभी भी इस तरफ मत आना। मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए यार, मैं आपसे क्या मांगू? अरे कोई बात नहीं, मैं किसी हर किसी की मन की बात पढ़ लेती हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ देती हूँ जिससे तुम एक बहुत करोड़पति आदमी बनोगे। हो शुक्रिया शुक्रिया। और एक मैं तुम्हें बोट भी देती हूँ। ओ गाइस यार ये क्या हो रहा है इस व्हेल के साथ? पता नहीं यार, इसने कुछ गलत वलत तो नहीं खा लिया, इसका पेट तो खराब नहीं हो गया कहीं पर? अरे ये क्या, अब वो व्हेल कहाँ गायब हो गई जो यहाँ पर थी? यार यहीं पर ही थी, तुम लोगों ने भी देखा ना। पता नहीं यार वो व्हेल कहाँ पर गायब हो गई, पता नहीं। चलो यार कुछ भी हो, मैंने एक व्हेल की हेल्प करी, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को उसकी हेल्प करके। चलो अपने घर पर चलता हूँ अंदर वापस। यार नींद आ रही है तो बहुत ज्यादा तेज। अरे ये क्या, एक सेकंड, अबे ये बोट किसकी है भाई? कोई कोई इसके आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा। भाई साहब ये किसकी बोट है, अभी तो नहीं थी थोड़ी देर पहले। और भाई बहुत ही ज्यादा महंगी बोट लग रही मेरे को तो, तुम लोगों को भी लग रहा है ना? ओ भाई साहब क्या फर्नीचर यूज हुआ है इस बोट के अंदर, देख रहे हो तुम लोग कितनी ज्यादा लग्जीरियस है। भाई ये कम से कम 10-20 करोड़ की तो होगी यार, इतनी महंगी बोट लग रही है मेरे को। चलो चला के देखता हूँ इसको। और भाई ये क्या हुआ गाइस यार, जैसे मैंने इस बोट के अंदर बैठा, मतलब चलाने के लिए बैठा, गाइस यार ये तो डायमंड के अंदर चेंज हो चुकी है भाई, प्योर डायमंड चेंज हो चुकी है भाई। ओ भाई ये क्या हुआ गाइस, ये कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड गाइस यार, मेरे को ऐसा क्यों लगता है यार, जो वो व्हेल थी ना वो असल में कोई जादुई व्हेल थी, मैंने उसकी हेल्प करी और उसने मेरी मन की बात पढ़ के मेरी हेल्प कर दी। गाइस ये तो सही में बहुत ज्यादा ऑसम है यार, ये अगर प्योर डायमंड की है रियलिटी में तो गाइस यार इसको मैं बहुत ही अच्छे प्राइसेस में बेच सकता हूं। एक काम करता हूं यार, मैं जल्दी से यहां पर आसपास में एक नई शिपयार्ड खोली है, वहां पर जाके इसे सेल करता हूं, अच्छे प्राइसेस मिलेंगे। तो फाइनल गाइस जिसकी मैं बात कर रहा था शिपयार्ड की, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो चलो गाइस यार देख रहे हो यहाँ पर खरीदते और बेचते हैं शिप्स को। रुकी नहीं। अरे अरे कौन है पागल है क्या, आराम से नहीं चलानी आज क्या बोट? अरे क्या बोट है रे? अरे ये तो भाई साइमन है। अबे साइमन तू है क्या? अरे सुमित तू है क्या? हाँ, अबे ये तेरी है क्या, ये तूने खोला यहाँ पर नया? अरे हाँ मैंने नया शिपयार्ड खोला, मैं भी सोच रहा था यार मैं एरोप्लेन हेलीकॉप्टर और यार बोट्स के अंदर भी डीलरशिप का काम करूँ। यार तूने तो अपना अच्छा बिजनेस बढ़ा लिया। अरे यार बिजनेस बढ़ाना पड़ता है ना यार, क्योंकि पेट की चौड़ाई भी बढ़ रही है ना। अच्छा अच्छा, वो सुन मैं असल में यहाँ पर एक काम से आया था। अरे हाँ मैं समझ गया, तू ये बोट बेचना चाहता है ना? अबे यार तू तो बहुत चालू यार सैमी, क्या चालू मशीन है तू। अरे यार वो तो मैं हमेशा ही चालू, चल मैं देख के आता हूँ। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल चीज लग रही है। अरे ये क्या डायमंड है क्या? अरे हाँ ये डायमंड ही है। अरे भाई साहब मैंने अपनी लाइफ के अंदर कोई डायमंड की बोट नहीं देखी, ये तो बहुत ज्यादा ओसम लग रही है यार, खतरनाक कती जिलहरी। अरे कैसी लगी बता, क्या प्राइस देगा इसके बदले में? अरे यार दिखने में तो बहुत ज्यादा मस्त लग रही है यार, और प्योर डायमंड की बनी हुई है। अभी रुक मैं तेरे को पैसे डाल देता हूँ। अरे पैसे इतनी जल्दी? अरे हाँ यार मैं तेरे को इसके बदले में 200 करोड़ रुपए दे दूँ। कितने? 200 करोड़ कम है क्या? नहीं नहीं नहीं, तू डाल दे, तू 200 करोड़ रुपए डाल दे मेरे अकाउंट में जल्दी से। अरे लेट तेरे अकाउंट में डाल दिए मैंने। ओ गाइस यार मेरे अकाउंट में 200 करोड़ रुपए आ चुके। एक काम करता हूँ यार, मैं एक हेलीकॉप्टर खरीद रहा हूँ। अरे तू सारे खरीद ले चाहे। अरे मेरे को सारे कोई जरूरत नहीं है, मेरे को और भी चीजें खरीदनी है। गाइस यार यहाँ पर सबसे मस्त हेलीकॉप्टर कौन सा है यार, एक से एक हेलीकॉप्टर, सबसे महंगा वाला कौन सा है? अरे जो तेरे आगे खड़ा है। ओ गाइस यार ये वाला हेलीकॉप्टर चला के देखता हूँ कैसा है। चलो गाइस यार मैं इसके अंदर बैठ चुका हूँ। अबे ये क्या, अबे ये भी डायमंड का हो गया? अरे ओए मेरा हेलीकॉप्टर छोड़। चोर चोर, अब मैं चोर नहीं हूँ, मैंने पेमेंट करी तेरे को इसकी। अरे ये हेलीकॉप्टर डायमंड का कैसे हो गया? ओ भाई साहब यार ये हेलीकॉप्टर डायमंड का हो गया। भाई साहब मेरे को लगता है जो सुपर पावर्स यार मुझे उस व्हेल से मिली थी वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है यार। एक काम करता हूँ सबसे पहले यार मैं कपड़े पहनने चलता हूँ। हाँ अभी चलते हैं जल्दी कपड़े पहनने। तो गाइस यार यहाँ पर हम लोग आ चुके कपड़े पहनने के लिए। अब आप लोग ये सोच रहे हैं यहाँ पर कपड़े कहाँ से आ गए? देखो यार तुम्हारा भाई इतना ज्यादा अमीर हो चुका है कि डायरेक्ट मैंने कपड़े मंगा लिए।
आइए सर आइए, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टोर चलते फिरते में। अरे भाई साहब, अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं ना। अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे लोस सैंटोस के सबसे महंगे कपड़े हैं यहाँ पर। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो एक से एक ज्वेलरी और घड़िया भी है। कितने की है ये? अरे बहुत महंगी है। अरे कोई बात नहीं, चल सबसे महंगे कपड़े दिखा दे मेरे को यार। कपड़े तो काफी जेन्युइन लग रहे हैं यार, सबसे महंगे ना। हाँ सर हाँ, बहुत महंगे कपड़े हैं। चलो यार मैं जल्दी से पहन लेता हूँ। तो गाइस यार, यहाँ पर मैंने कपड़े पहन लिए, सूट बूट डाल लिया तुम्हारे भाई ने। अरे सर, आप तो एकदम चिकनी चमेली लग रहे हैं। चल ज्यादा मक्खन मत लगा। ओ चलो गाइस यार, मैं अपने हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ, डायमंड के हेलीकॉप्टर के अंदर, लेट्स गो। अरे सर फिर से आना। हाँ ठीक है। तो गाइस यार, अब मुझे जाना है एक बंदे से अपना बदला लेने के लिए जिसने मेरी बेइज्जती की थी। तो चलो गाइस यार, हम लोग जा रहे हैं अभी उसी शिपयार्ड के अंदर जहाँ पर मैं सबसे पहले गया था, सेल वाली जगह याद है, जहाँ पर मैं खरीदने गया था। तो लो भाई साहब, हम लोग आ चुके हैं। अरे गाइस यार, ऐसा लगता है कोई अमीर आदमी आ रहा है। हाँ बॉस, लग तो ऐसे रहा है कोई अमीर आदमी आ रहा है। अरे इसको तो बहुत महंगी महंगी वाली बोट्स बेचेंगे। अरे एक बार ये नीचे तो उतरे जल्दी सी। अरे ये क्या, इसका हेलीकॉप्टर डायमंड का है क्या? अरे हाँ बॉस, डायमंड का है। अरे सो ये पता नहीं कौन है, बहुत ज्यादा अमीर लग रहा है मेरे को तो, कौन आदमी पता नहीं, अभी बताता हूँ इसको। अरे ये तो सुमित भैया है। अरे सुमित भैया, इतना सारा पैसा, ये हेलीकॉप्टर तुम्हारा है क्या? हाँ हाँ मेरा ही है। अरे सुमित बताओ, कहीं से चुराया है क्या ये सूट और पैसा? अरे बॉस, ये तो वही आदमी ना जिसकी हमने बेइज्जती करके भगाई थी। अबे रुक जा, चुप रहे। अरे ये क्या, ये तो मेरी सारी बोट्स को तबाह कर रहा है। अबे बॉडीगार्ड से रोको। अरे सर इसके पास तो मिसाइल है, हम इसे कैसे रोके? अभी बताता हूँ, तूने मेरी बेइज्जती की थी, मैं तेरा सारा बिजनेस खा जाऊंगा। अरे सुमित भैया, ये पागल हो गए क्या? तुम्हारे पास इतने पैसे भी, अभी बुलाता हूँ पुलिस को। हेलो पुलिस, जल्दी यहाँ पर आओ, एक पागल हमारी बोट्स को फाड़ रहा है। अभी रुक जाओ, अभी बताता हूँ, तेरी सारी बोट्स फाड़ दूंगा। इनके ऊपर तुझे घमंड है ना, एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारी फाड़ डालूंगा मैं। अरे सुमित भैया, बड़ी वाली को मत फोड़ना, वो बहुत ज्यादा महंगी है, पता है कितने करोड़ों की। अबे मेरे लेके कितनों की भी हो, मैं सारी तेरी बोट्स फोड़ दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या सुमित भैया, तुमने उसे भी फोड़ दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बॉस आप कहो तो इसे मार डाले। अरे ओ बकवास करने की जरूरत नहीं है, अभी डाल देता हूँ तेरे अकाउंट में तेरे पैसे, ठीक है? जितनी बोट्स फोड़ी। क्या सुमित भैया, तुमने फोड़ी क्यों फिर? अगर तुम्हें खरीदनी थी तो मुझे तेरी औकात दिखानी थी, हर चीज पैसा नहीं होती। मैंने तेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, अब निकल जाए, दफा हो जाओ मेरे। अरे सुमित भैया, तुम तो मेरा बिजनेस खा गए। अरे बॉस ये तो बहुत अमीर आदमी बन चुका है, हम आपकी साइड हो जाए क्या सर? निकलो यहाँ से, दफा हो, मैं किसी को तुम जैसे को बिल्कुल अपने साथ नहीं रखना चाहता। अरे सुमित भैया कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ। अरे सुमित भैया, ये तुम्हारे पास डायमंड की गाड़ी कहाँ से आई और तू कहाँ आ रहा है? अरे सुमित, मुझे भी बैठा लो, हट भाग यहाँ से। अरे सुमित भैया, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? अरे सर हमारे बॉस की बेइज्जती मत कीजिए, इसकी तो ऐसे ही करूंगा। अरे सुमित प्लीज गाड़ी को रोक लो। सुमित भैया मुझे माफ कर दो, मैं पैसों में अंधा हो गया था, मैं भूल गया था कि तुम मेरे भाई हो। क्यों अब कैसे याद आ गया? अरे सुमित प्लीज मुझे परेशान मत करो, बैठ जाने दो, बैठ जा चुपचाप। अरे गाइस यार प्लीज सुमित भैया को बोलो मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा चाहे तू मेरे साथ रह रहा हो, ठीक है ना? तू बहुत गंदा आदमी है। अरे सुमित भैया, ये बहुत ज्यादा खतरनाक गाड़ी लग रही है, देख कितनी खतरनाक है, और मैं तुझसे बात क्यों कर रहा हूँ? अरे सुमित प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारे पकड़ू मेरे लेके तू मेरे पैर पकड़ या कुछ भी कर। अरे सुमित भैया ये क्या, अबे तू तो बाहर पड़ गए जाकर, अबे कुछ ज्यादा स्पीड में चला दी थी मैंने। अरे सुमित भैया अब कहाँ जाओगे? मैंने एक नए घर खरीदा, वहाँ पर जा रहा हूँ। क्या नया घर खरीदा है? हाँ क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे सुमित भैया तुम इस एरिया में क्यों आए हो? ये घर खरीदा है मैंने, इसलिए इस एरिया में आया हूँ। क्या तुमने ये घर खरीदा है? क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे सुमित भैया ये तो करोड़पतियों का घर है, जो करोड़पति होते हैं। अबे पागल, मैं करोड़पति हूँ? करोड़पति मैं खराब पति हूँ बल्कि। अरे सुमित सैमी, ओ गाइस ये कौन है? अरे ये क्या, अबे ये तो वर्कर है, अबे काम कर दिया तूने? हाँ कर दिया, और निकल यहाँ से। अबे तेरी ऐसी दारू के नशे में ये भूल गया कि तेरा बॉस कौन है? अरे सुमित भैया इसको क्यों मार रहे हो बेचारे को? अबे हम भाई मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। गाइस यार देखो मेरा नया घर, ओह ये देख रहे हो वर्कर्स थे शायद, ये काम कुम करके कर चाह रहे हैं यहाँ से। हाँ सर हमने कर दिया, स्विमिंग पूल तैयार है। तो गाइस यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल भी तैयार हो चुका है, देख रहे हो? अरे सुमित भैया ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, क्या ठंडा ठंडा पानी इसके अंदर है ना, मस्त। अरे सुमित बहुत मस्त है सिंचन, एक तो ये घर मैंने खरीदा और देख दूसरा ये घर भी मैंने खरीद लिया। क्या तुमने ये वाला घर भी खरीद लिया साइड वाला? क्यों क्या प्रॉब्लम है? अरे सुन दे कुछ नहीं, ये भी बहुत महंगा लग रहा है, इसके अंदर तो नदी भी है। तो गाइस फाइनली मैंने सिंचन की औकात दिखा दी उसको। अरे सुन दे माफ कर दो ना बस एक बार। तो गाइस जरा आज के लिए बस इतना, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूल बैठ गया सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।